गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईपीएस व्लॉग्स। आज का वीडियो थोड़ा हटके होने वाला है। आज हम अपने बियर्ड को काला करने वाले हैं। वीआईपी हेयर कलर शैम्पू 5-in-1 हेड मुस्टैच बियर्ड चेस्ट एंड हैंड्स कैन बी अप्लाइड विद बेयर वेट हैंड्स। यहाँ पे ग्लव्स पहनने की आपको ज़रूरत नहीं है। इनका कहना है कि अपने सीधे अपने हाथों पर लगा के आप बालों पर और बियर्ड पर लगा सकते हैं, और इसके लिए किसी बाउल की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए 15 मिनट आपको इसको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद वॉश कर लेना है और आपके बाल काले हो जाएंगे। तो आज इसकी सच्चाई का पता लगाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखते हैं कि क्या इसका परफॉर्मेंस आता है, कैसा इसका परफॉर्मेंस आता है। मैं इसे सिर्फ अपने बियर्ड पे अप्लाई करने वाला हूँ। बाल मेरे ऑलरेडी काले हैं, थोड़े बहुत सफ़ेद हैं, वो बाद में काले करूँगा, लेकिन आज मैं सिर्फ इसको अप्लाई करने वाला हूँ अपनी बियर्ड पे। और इसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसका रिजल्ट कैसा आता है, वो मैं भी देखूँगा और आप भी देखिए साथ में। लेकिन सबसे पहले इस पाउच के अंदर क्या क्या है वो आपको दिखाता हूँ। इस पाउच की कीमत है 51 रुपीज़, और ये 20 ml का पाउच। आगे से ऐसा दिखता है, पीछे से स्टैच से है। सबसे पहले इसको चेक करते हैं इसके अंदर क्या क्या निकलता है। ये इसका पाउच है, और ये सब चीज़ें आप देख पा रहे हैं, लिखी हुई हैं 100% ग्रे कवरेज, 15 मिनट्स, नो स्टेन्स, नो अमोनिया, नो टीयर्स, और कैन बी अप्लाइड विद बेयर वेट हैंड्स। अब इसे निकालते हैं, खोलते हैं। इसकी जो कीमत है वो है 51 रुपीज़। इन्होंने कहा बिना ग्लव्स के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे ग्लव्स भी दिए हुए हैं। हेयर कलर शैम्पू 5-in-1 ब्लैक कलर का है ये, मैं ब्लैक लिखा हूँ। कैन बी अप्लाइड विद बेयर हैंड्स ओनली। ये सारी चीज़ें जो ऊपर लिखी हुई थी, अंदर भी लिखी हुई हैं। ये इसका मैनुअल है, मैं इसको पढ़ के आपको सुना देता हूँ। एलर्जी टेस्ट की बात कर रहे हैं, इस्तेमाल करने का तरीका। कृपया सुनिश्चित करें कि आपके बाल पूरी तरह से सूखे हों, तेल धुलना हो, दोनों हाथों को अच्छी तरह से भिगोएं। अपने गीले हाथों पर आवश्यकता और थोड़ी मात्रा रहें, दो अलग अलग तरह के शैम्पू बाहर निकलेंगे। गीले हाथों से अच्छी तरह से मिला लें जब तक आपको सफेद झाग मिल जाए। फोम को अपने सर, अपनी दाढ़ी, मूंछ, बाल, हाथों और सीने पर मौजूद सफेद बालों को लगाएं। इस्तेमाल के तुरंत बाद 3 मिनटों के अंदर ही अपने हाथों को साबुन या हैंड वॉश से धोलें। 15 मिनटों का इंतजार करें। 15 मिनटों के बाद अपने बाल सिर्फ पानी से धोलें या नहा लें। इस उत्पादन का उपयोग करते समय किसी भी अन्य शैम्पू या कंडीशनर का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इसको खोलने वाले हैं, और इसको यहाँ से कट करना है, यहाँ से इसे कट करना है। ये हमने किया कट, और इसमें इसको दबाने से इतना सॉल्यूशन मैंने अपने बियर्ड के लिए लिया है, मुझे लगता है पर्याप्त है। इसमें दो कलर हैं, अगर आपको दिख रहे हो तो, ये ब्राउन और वाइट कलर जैसा है। अब इसको अच्छे से रब करना है, अब इसको रब करना है, तो मैं रब करता हूँ। ओह, गीले हाथ तो मैंने करे ही नहीं, भूल गया। झाग बन जाए तब आपको इसको लगाना है। ये झाग बन चुका है, अब मैं इसको अच्छे से अपने बियर्ड पे लगाने वाला हूँ। ये हमने अच्छे से लगा लिया है, और उसमें लिखा था कि आप 3 मिनट के बाद अपने हाथ धो लें, तो मैं अभी हाथ धोने जा रहा हूँ। हाथ धो के आता हूँ और फिर आपको बताता हूँ हाथों की क्या पोजीशन। अभी अपने हाथों को धो के आया हूँ, तो हाथों पे तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है, क्योंकि मुझे कहीं पर कोई कलर दिख नहीं रहा है। हाथों पर देख रहे हैं आप, कोई कलर नहीं दिख रहा। हाँ, थोड़ा सा मेरे
ये थंब पे आपको कलर दिख रहा होगा या नाखून पे हल्का सा कलर दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल ये बहुत मामूली है, बहुत अच्छा वो है। अब इसमें जो लिखा है कि 15 मिनट के बाद आपको अपने बियर्ड को वॉश करना है, तो 15 मिनट वेट करते हैं, फिर मिलते हैं 15 मिनट के बाद। इसको लगाए हुए मुझे 10 मिनट हो गया है, अभी 15 मिनट नहीं हुए हैं, 10 मिनट हो गया है। मैं 5 मिनट और वेट करूँगा अभी, उसके बाद इसको धोने जाऊँगा। तो अभी देखते हैं 5 मिनट के बाद इसका क्या रिजल्ट आता है। ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं ये 10 मिनट के बाद का है। 15 मिनट हो चुके हैं इसको मुझे अप्लाई किए हुए, अभी ये जो भी आपको दिख रहा है ये 15 मिनट लगाने के बाद ऐसा दिख रहा है। अब मैं जा रहा हूँ इसको धोने के लिए, और धो के आके दिखाता हूँ कि बाल काले हुए हैं या स्किन कहीं पे स्किन पे कलर लगा है कि नहीं लगा है, क्योंकि मैंने अभी कुछ नहीं किया, मैंने कोई सफाई नहीं करी, क्योंकि इनका कहना था नो स्टेंस, इसलिए मैंने एज इट इज़ छोड़ रखा है। इसको धोया जाए, फिर वापस आते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकला है। अब आप देख सकते हैं मैं अभी धो के आया हूँ, और धोने के बाद क्या पोजीशन है, मैं अभी शीशे में देख रहा हूँ और मुझे कहीं पर भी कलर नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा बहुत बहुत ही मामूली सा कलर कहीं पर हल्का सा नज़र आ भी रहा है, बहुत मामूली है, लेकिन बाल, आपने पहले मेरे बाल देखे थे कैसे थे, और अब देखिए हाथ बिल्कुल साफ़ हैं, हल्का फुल्का कलर कहीं पर टिप्स पर कहीं कलर आपको थोड़ा बहुत नज़र आ रहा होगा, बाकी ये हाथ बिल्कुल क्लीन है। और माय गॉड, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अमेजिंग रिजल्ट्स आए हैं गाइज इसके, इसके शानदार रिजल्ट्स हैं, और मैं कितना सेटिस्फाइड हूँ इस प्रोडक्ट से मैं आपको बता नहीं सकता। पहले मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, पता नहीं क्या होगा, टीवी पे तो कुछ दिखाते हैं, कुछ भी दिखाते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल आज मैंने खुद अप्लाई किया है। हालांकि कहीं कहीं अगर आप बारीकी से देखेंगे तो कुछ बाल अभी ग्रे बचे हुए हैं, लेकिन ओवरऑल अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट्स मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, और अब लगने लगा है कि मैं बियर्ड रख सकता हूँ। थैंक यू VIP, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोडक्ट बनाने के लिए, और बिंदास हमने बेयर हैंड से यूज़ किए, आप देख रहे हैं सारी प्रोसेस आपके सामने हुई, अभी हाथ धो के आया हूँ और ये रिजल्ट है। थैंक यू वेरी मच, ओवरऑल आई फुल्ली सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट, एंड मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। आप लोग ट्राई करके देखिए आपको रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और आप क्या चाहते हैं कैसे कैसे वीडियोस मैं बनाऊं, किस टाइप की वीडियोस बनाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।